दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। पहली बार यानी कि पहली बार इतनी बड़ी भर्ती होगी, इनमें देख सकते हैं कुल पद आपका 400 यानी कि 400 पदों को मिल गई स्वीकृति, जल्द होगी भर्ती। जैसे कि पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 10 जनवरी 2023 को यानी कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा युवाओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पद के लिए 400 पदों के लिए सीधी भर्ती की अनुमति दी गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर किसके अधिकारी के लिए, प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए टोटल 400 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती की अनुमति मिल गई है। आप जान सकते हैं कि अधिकारी लेवल का जो वित्त विभाग मतलब अधिकारी लेवल के लिए रिक्त पदों के लिए 400 पदों की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, वित्तीय सीधे अनुपात दे चुकी है। मतलब इसका मतलब है कि ये आपका PSC द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, वन डे एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों। ये आपका जैसे आपको वन डे एग्ज़ाम अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अच्छे रैंकिंग में पास होते हैं तो। साथ ही आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा आप देख सकते हैं राज्य सरकार के अनुसार कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार के विभाग के आधार पर आपके लिए दिया जाएगा। साथ ही निर्णय लेते हुए यह कहा गया है कि संचालक प्रशिक्षण पदों पर सीधी भर्ती के लिए सहमति दे दी गई है, यानी कि टोटल आपको 400 रिक्त पदों की सीधी भर्ती की अनुमति मिल गई है। आपका PSC द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों। अगर ऐसे और चैनल पर हैं या फिर अच्छा लगा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली क्लास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि वित्त विभाग द्वारा आप देख सकते हैं, जैसे कि आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा कि आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं 10/1/2023 को यहाँ पर दिनांक दिया गया है। यानी कि विषय की बात करें तो शासकीय औद्योगिक विकास संस्थान यानी कि प्रशिक्षण संस्थाओं के अधिकारी के लिए रिक्त पदों की सीधी पूर्ति के लिए यहाँ पर अनुमति मिल चुकी है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए अधिकारी के लिए 1411 पदों में से कम 1298 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव पर विभाग को इतनी अधिक संख्या में एक ही बार में भर्ती करने के लिए बजाय चरणबद्ध तरीके से यानी कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर भर्ती के सुझाव दिया गया है। प्रथम चरण में यानी कि पहले चरण में आपको प्रशिक्षण अधिकारी के टोटल 400 पदों पर सीधी भर्ती के लिए व्यक्त की जाती है, यानी कि आदेशानुसार दिया गया है। वित्त विभाग की उपरोक्त सहमति के अनुसार पदों को भरने की कार्रवाई करने का कष्ट कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाती है, इसका एग्ज़ाम कब है, क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं बताऊँगा। फिलहाल आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल 400 पदों पर वैकेंसी भर्ती निकल के आ चुकी है, इसकी सीधी भर्ती की अनुमति मिल चुकी है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, थैंक यू।